फिर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSP जौनपुर, सभी स्टूडेंट्स के लिए दो बड़ी अपडेट्स हैं और दोनों जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर आपका कोर्स कोई भी हो, कोई भी ईयर्स हो, सेमेस्टर हो, कंप्लीट वीडियो अवश्य देखेंगे, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है नंबर एक ऑथेंटिक चैनल पर। जितनी बातें आपको बताता है सारी चीज़ें सही हुई हैं और आगे भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे अवश्य ज्वाइन हो जाएं। तो यहाँ पर टोटली दो बातों का हम लोग कवरअप करने चल रहे हैं और इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वे भी अपडेटेड रहें, उनका भी कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बारी बारी से दोनों चीज़ें आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली अपडेट है उन छात्रों के लिए अपडेट है जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अभी तक 100 वगैरह नहीं कर रहा है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स है। चैनल कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और लगातार देता भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कर्मचारी हैं यूनिवर्सिटी में यानी कैंपस से जुड़े हुए हैं वो लोग धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना चलता रहा और इसके बाद देखिए जो संबंधित अपडेट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा विभाग का सारा कार्यक्रम जो है वो प्रभावित हो गया है, वित्त विभाग का हो गया है, गोपनीय विभाग में हो गया है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित चल रही हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। तो रिजल्ट्स तो जारी कर दिए गए समय से, यानी सॉरी 31 तारीख को रिजल्ट जारी किया गया, हालाँकि अभी तक नहीं शो कर रहा है। चैनल आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा था, प्रैक्टिकल वाली भी बात है और ऊपर से अब एक ये तरीका जो है, देखिए यहाँ पर धरना, आज भी धरना आपके यूनिवर्सिटी में हुआ है और इस वजह से जो कार्यक्रम है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और जिनका रिजल्ट जो भी दिक्कत है उसको सुधारा नहीं जा पा रहा है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं रिजल्ट्स आपके शो करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था आप सभी छात्रों के लिए। अब वहीं सेकेंड अपडेट की अगर हम बात करें तो वहीं पर जो सेकेंड अपडेट है मैं आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे एकमात्र चैनल नया इन्फो जिसने आपको जानकारी दिया था कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5 जून तक इनरोलमेंट नंबर वगैरह जमा किए जाएंगे, तो ठीक है यहाँ तक हुआ और उससे पहले रिजल्ट्स आपके जारी नहीं किए गए, जैसा बोला वही हुआ सेम। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, इन चीज़ों की तिथियाँ। अब जो महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को बता दूँ, रिजल्ट रिलेटेड अपडेट आपको बता दूँ, तो अब किसी भी वक्त किसी भी दिन रिजल्ट जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जारी कर दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर इसलिए हो सकता है कि वहां पर कर्मचारियों का प्रदर्शन है, हालांकि बहुत ही शीघ्र आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि कोई भी डेट फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट बीएड का। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं BA BSc BCom उन छात्रों का भी रिजल्ट बहुत ही शीघ्र आएगा, क्योंकि उनमें थोड़ी सी ये दिक्कत हुई थी कि कुछ परीक्षाएँ ऐसी थी, 4 पेपर्स ऐसे थे जो बहुत लेट कराए गए हैं आपको पता होगा, तो उन वजह से जो है अभी आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। हालांकि अब आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत ही शीघ्र आने वाला है। तो सेमेस्टर जितने भी छात्र तैयार रहें कंटिन्यू रिजल्ट्स अब जारी होने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद वार्षिक वालों का रिजल्ट आएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आप सभी छात्रों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहे नया इन्फो चैनल के साथ।